मुझे लेट तो नहीं हुआ? अदील अदील अदील, पीछे देखे, पीछे। कौन? अरे ये वो बहुत फेमस प्रोड्यूसर है ना, जो बहुत बड़े बड़े रोमांटिक ड्रामास बनाता है। मैं शादी से पहले इसके ड्रामे बहुत शौक से देखती थी। ये क्या है, इसी रेस्टोरेंट पे? अच्छा तो ये वो है, चलो मिलते हैं उससे। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? अरे क्या हो गया, अपने फेवरेट प्रोड्यूसर से मिलने की जो एक्साइटमेंट है ना, वो मैं तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। आओ मिलते हैं। अरे नहीं ना, क्या हो गया आपको? और आपको तो पता है ना मैं कितना शाय फील करती हूँ। बस ये आपका क्लाइंट आ जाए फिर। अरे जब तक क्लाइंट नहीं आता तब तक हम चल के इकरार से बात करते हैं ना। क्या हो गया आपको, उनको बुरा लग जाएगा? अरे नहीं लगता, उठो। अरे मैं ऐसे कैसे चल सकती? आओ आओ अदील, आओ, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो इकरार। ओह हाय, मीट माय वाइफ अनिला। हेलो, यू आर सो ब्यूटीफुल, प्लीज प्लीज हैव अ सीट, बैठो। आप लोग डिनर में क्या लेंगे? अब नहीं नहीं, हम तो किसी और के साथ डिनर करने आए हैं। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा जो बिजनेस डिनर है वो इकरार के साथ ही है। इकरार, ये तो बहुत बड़ी फैन निकली यार तुम्हारी। आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे? नहीं नहीं, मैं तो ग्रॉसरी करने भी घर से बाहर नहीं निकलती। ओह आई सी, आप ग्रॉसरी तक नहीं करती? नहीं। आप घर पे रहती हैं और घर के कामों में बिजी रहती हैं, और फ्री टाइम मिलता है तो शायद टीवी भी देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको आपको कैसे पता? घर में उदास घूमने फिरने वाली लड़की हैं आप। दूसरों की बातें सुनती हैं, जहां तक हो सकता है जुल्म बर्दाश्त करती हैं, लेकिन हार नहीं मानती। सब जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना चाहती हैं लेकिन रिसोर्सेस नहीं है। और कुछ करना चाहती हैं लेकिन डरती हैं कि इजाजत मिले ना मिले। am I right? वैसे बहुत सही एनालिसिस दी है। फेस रीडिंग करते हो क्या? नॉट एट ऑल, इनको देखकर मुझे अपने एक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर की याद आ गई। जिस पर मैं आजकल काम कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही है वो, सीधी सादी भोली सी, दबी दबी रहने वाली, जो खुलकर सांस लेना चाहती है एटलीस्ट। आप क्या मेरी कैरेक्टर को फीचर करना चाहते हैं? एक मिनट, ये आपके मुतालिक नहीं है, लेकिन क्या आप एक्टिंग करेंगी? एक्टिंग? अब नहीं करार, ये उस किस्म की लड़की नहीं है। Oh, I'm sorry. आप अपनी वाइफ को यकीनन बेहतर जानते होंगे। सॉरी।